नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। T20 विश्व कप में आज दिन का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। आज इस मैच में टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने सभी को चौंकाने वाला फैसला किया, क्योंकि आज अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी है। बता दें कि अफगानिस्तान ने अपना पिछला मुकाबला बल्लेबाजी करते हुए जीता था, जिसके चलते आज नबी ने पहले बल्लेबाजी का ही चुनाव किया है। मगर शायद ये नबी का फैसला गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान से जैसी शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी, वैसी शुरुआत आज देखने को नहीं मिली है। आज अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज हजरतुल्ला जाजई ने जल्दी अपना विकेट गंवा दिया है। जाजई को आज पाकिस्तान के अनुभवी स्पिनर इमाद वसीम ने पवेलियन भेज दिया है। बता दें कि इस पारी में जाजई शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे और कई बार शाहीन शाफरीदी की गेंद पर आउट होते हुए भी बचे थे, मगर जाजई इतने जीवन दान के बावजूद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और बड़े शॉट मारने के चक्कर में जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। नतीजा ये रहा कि जाजई, जिन्होंने स्कॉटलैंड के विरुद्ध 44 रनों की पारी खेली थी, आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जल्दी आउट होने की वजह से अपनी टीम को दबाव में डाल गए। अब देखना होगा कि नबी का आज ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अफगानिस्तान पर कितना भारी पड़ता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।